वो कह के सुलाना पड़ता था बिटिया को, हाँ जी सुलाना पड़ता है हर बार इसको रिलैक्स करना होता था। अच्छा, इसको कूल करने के कितने लिए घंटे पड़ती थी शुरुआत से, थोड़ी सी हैबिट बताओ। नहीं टाइम तो कभी नोट ही नहीं किया, ये तो अपने स्टडी में लगी रहती थी। अच्छा, किस तरह का माहौल आपने घर पे दिया इस बच्चे? नौवीं की अच्छी पढ़ रही है, आई एम होपिंग अच्छी बन रही है। चलो अब कुछ अंकिता से बात करेंगे दोबारा। फिर पूरा परिवार मतलब इतनी तारीफ कर रहा है, रियल में आप आज श्यान है परिवार की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विल से कि आई एम बिकॉज ऑफ माय फैमिली ओनली, तो यस इट्स सबका सपोर्ट है एंड सबका कंट्रीब्यूशन है, सबकी गाइडेंस है, तो यस आई एम बिकॉज ऑफ। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 28वां रैंक हासिल करने वाले हरियाणा के जींद जिले के गाँव गोसाई खेड़ा की बेटी अंकिता पवार हमारे साथ हैं, और साथ हैं उनके मम्मी पापा ताऊजी पूरा परिवार। इनसे बात करेंगे कि बेटी का सिलेक्शन होने के बाद कैसा माहौल है और पूरे परिवार में खुशियाँ माहौल है। कल गांव में इनका स्वागत होने जा रहा है और पूरा परिवार आज एक मतलब बधाइयों का लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं और खुशी का जश्न कल गांव में मनेगा, उसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते जी। आप अंकिता के पिताजी? यस हाँ जी। तो बताओ किस तरह का माहौल है, बेटी डीसी बन गई है अब तो, है अपने गांव में तो ये माहौल रहता है कि डीसी सबसे बड़ा बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी का माहौल है जी, पूरे परिवार में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। एक हफ्ता हो गया जिस दिन इसका रिजल्ट आया, उसी दिन सारे परिवार के सदस्य चंडीगढ़ पहुँच गए थे। अच्छा, तो सभी ने खूब खुशियाँ मनाई, सारे परिवार से बधाइयाँ मिल रही है और कल गांव वालों ने सम्मानित करने के लिए बुलाया है जी। तो गांव में बड़े धूमधाम से प्रोग्राम होगा। जींद से रोहतक रोड पर गांव गोसाई खेड़ा। यस हाँ जी। अच्छा ये बताओ अपने गांव में तो कम है ना सबसे बड़ा पद है डीसी का, है के डीसी बनेगा तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी उम्मीद थी बेटी डीसी बनेगी? नहीं उम्मीद थी सर हमें, क्योंकि ये शुरू से टैलेंटेड रही है, क्लास फर्स्ट से टेंथ तक ये टॉपर रही है। ओके। और ट्वेल्थ में भी इसने सीबीएसई में टॉप किया है चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में जी। उसके बाद इसका एडमिशन हो गया आईआईटी रुड़की में, वहाँ भी इसने थ्रू आउट टॉप किया है जी। और इसका कैंपस प्लेसमेंट हो गया था ओरेकल इंडिया लिमिटेड बेंगलोर में जी। 2.5 साल इसने जॉब की, तो जॉब के दौरान इसने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज में। ये बताओ जैसे आपने बताया कि ये टॉप किया इसने 10वीं में, कितने मतलब एक कर है ना पढ़ाई वाला कीड़ा कहते हैं, वो था कितने घंटे पढ़ती थी? बस इंटरेस्ट था जी इसको पढ़ाई में, खुद इंटरेस्ट था, मतलब कभी हमने ये नहीं कहा पढ़ लो। अच्छा। खुद इसको लगन थी, बल्कि इसकी मम्मी तो कहती सो जा कोई तेरा पैक में एडमिशन हो जाएगा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में, उसको बहुत बड़ा वो मानते हैं, जबकि कभी इसने ये नहीं कहा तू IIT में जाएगी, लेकिन इसकी खुद की लगन ज्यादा थी। आपका शुभ नाम? भूप सिंह। भूप सिंह, और आप मम्मी हैं इनकी? आपका शुभ नाम? कमलेश। तो कह के सुलाना पड़ता था बिटिया को? हाँ जी सुलाना पड़ता है हर बार इसको रिलैक्स करना होता था। अच्छा, इसको कूल करने के कितने घंटे पड़ती थी शुरुआत से, थोड़ी सी हैबिट बताओ। नहीं टाइम तो कभी नोट ही नहीं किया, ये तो अपने स्टडी में लगी रहती थी। अच्छा, किस तरह का माहौल आपने घर पे दिया इस बच्ची को? बस क्योंकि आजकल ना घर का माहौल सबसे टेंशन फ्री रखना होता था बच्चे को, टाइम से खाना देना, उसको रिलैक्स करना, ये जी। और क्या कभी जिस तरह बाहर कुछ खेलना जैसे, या कभी फिल्में देखना, गाने सुनना, ये भी शौक है इनको? हाँ थोड़ा बहुत तो रिलैक्स होने के लिए सारी चीज़ें, सैर भी करना, खेलना भी, और थोड़ा मूवी वगैरह देखना, सारी चीज़, डांस करना थोड़ा बहुत। ओके ठीक है। तो पेरेंट्स से घर में किस तरह माहौल रखें, बार बार बच्चे को टोकते हैं बेटा पढ़ ले पढ़ ले? नहीं, आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चा तो वो बच्चे का खुद का इंटरेस्ट होता है, पेरेंट्स या दूसरे के करने से नहीं होता ये चीज़। और बच्चे को जब प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कभी, जब बच्चा करना होता है वो खुद ही करता है, जिसका जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए जी। और आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियों के सामने अच्छे करियर की बड़ी चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि पेरेंट्स शादी की जल्दियां कर देते हैं, तो आपने बेटी पर विश्वास था? ऐसा तो कहीं भी नहीं, अब तो हमारे टाइम में ही नहीं थी इतनी जल्दी तो। ओके ठीक है। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने BA BEd कर रखी है। ओके। मैं भी कर रखी है। तो आपने जॉब किया घर पे रहे आप? मैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर लगी थी, अब ट्यूशन पढ़ाती हूँ 10th तक मैथ्स का। ओके हाँ जी। लेकिन आप बच्चे को डीसी बना दिया आपने, इससे बड़ी क्या होगी अब? नहीं बच्चे ठीक है जी, बच्चे अपने ठीक है। चलो और अब है मेरे साथ अंकिता की ताऊजी। सर नमस्ते। आपका शुभ नाम सर? अतर सिंह जी। अतर सिंह जी आप बताओ, बिटिया ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया? बिटिया ने बिल्कुल बड़ा मुकाम हासिल किया, इंडिया लेवल पे 28 रैंक आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और ये हमें तो इसकी पैदा इससे पता था कि ये डीसी बनेगी एक दिन। और मैंने तो इसका रिजल्ट आने से पहले बताया था कि विल स्टैंड इन द फर्स्ट 10 इन ऑल इंडिया, बट 10 के बराबर ही हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है, 28 बहुत अच्छा रैंक है, बड़ी होनहार बेटी है, इसने हमारी पहचान बनाई आज इस सोसाइटी में। जी,
अभी तक हमें मेरे पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से जानते थे, अब हमें अंकिता के नाम से जानते हैं कि अंकिता किता हुई है। गुड़गांव एक फंक्शन में था मैं, वहाँ मेरे दोस्त थे काफ़ी, तो उन्हें पता था कि बेटी आई एस में आई है, तो वो बोले सर आप तो अंकिता किता हुआ माई सर, तो इसने हमारी बड़ी पहचान बनाई सोसाइटी में, वी आर वेरी थैंकफुल टू हर एंड शी इज़ ए वेरी ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड। आपका शुभ नाम सर? सतवीर सिंह। आप अंकिता के ताऊजी? ताऊजी हैं जी, जी जी। और आप क्या करते हैं? मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड हूँ हरियाणा पीडब्ल्यूडी। आप बताओ बिटिया को लगातार आपने बचपन से देखा है? वो कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के हो चिकने बात, तो जन्म से ही जो है ना ये बड़ी एक्सीलेंट और इंटेलिजेंट लड़की रही है। जहाँ तक आपने पूछा ना कि क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि ये डीसी बन जाएगी, इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने तो 2 साल इंतजार किया है, इसने तीसरा चांस था इस बार इसका, तो फर्स्ट चांस में इसका रैंक का था इंडिया 321। उस टाइम ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिविल गेट प्रॉपर आईएएस, बट वी कुड नॉट गेट, तो इस बार उसने सारी कमी पूरी कर दी है एंड वी आर वेरी हैप्पी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और बहुत अच्छी खबर। और क्या तैयारियां कल के प्रोग्राम की गांव में? बिल्कुल खुशी के साथ, खूब सम्मान करेगा गांव और हम सब साथ में हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, ये एक डिस्टिंक्शन है और ऐसा मौका तो कभी 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 आता है। और आप क्या लगते हैं अंकिता की? मैं अंकिता की कजन हूँ, सिस्टर जी। ठीक ठीक है, तो आप बताओ थोड़ा इसकी हैबिट्स, इसके बचपन की आदतें। और अंकिता बचपन से ही पढ़ाई को लेके तो बहुत ही क्रेजी थी और पढ़ने का बड़ा शौक था, शौक से पढ़ती थी। और जो बात अभी आंटी ने कही सही में, इसको कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि पढ़ाई करो, बल्कि मैं तो कहती हूँ हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये एक एग्जांपल है जिसने इतना अच्छा एग्जांपल सेट किया है। और हमेशा से हर एक्टिविटी में इंटेलिजेंट थी, ना सिर्फ पढ़ाई, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ किताबों के ही चिपकी रहे, पेंटिंग में, ड्राॅइंग में, स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, सब एक्टिविटीज़ में बड़ा बैलेंस नेचर रहा है। इवन अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स में ही घुसे रहेगी, अगर घर में गेस्ट आए हैं तो उनको एंटरटेन करना, किचन में भी हेल्प करवाना, तो ये सारी आदतें अंकिता में हैं जो मतलब बहुत ही, मतलब मैं कहती हूँ कि हर बच्चे में होनी चाहिए। एग्जैक्टली, गुड है। और अंकिता की जितनी बातें कही जाए उतनी कम है, आप क्या लगते हैं इनकी? मैं अंकिता की कजन हूँ। ओके, आप बताओ थोड़ा। मैं बताती हूँ, अंकिता को हमने बचपन से ही देखा है कि अंकिता हमेशा से स्टूडियस ही रही है, छोटी सी थी, छोटे से ही इसको क्लास में हमेशा रहता था मुझे फर्स्ट ही आना है और फर्स्ट से नीचे तो जाना ही नहीं और एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए मेरा, तो अंकिता हमेशा ही स्टूडियस रही है और अपनी स्टडीज को लेके हमेशा सीरियस रही है। गुड। और आप इनकी? हेलो, मैं भाभी हूँ, मेरा नाम भी अंकिता है। तो एक चीज़ जो मैं कॉमन रिलेट करती हूँ अंकिता के साथ, जब मैं छोटी थी तो स्कूल जब छुट्टियाँ हो जाती थी तो मैं घर में बैठ के रोने लग जाती थी कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। तो जब मैं शादी करके आई तो मुझे पता चला कि अंकिता की सेम आदत है कि स्कूल जाना, मतलब मुझे भी बहुत शौक है पढ़ने का अंकिता की तरह, तो ये चीज़ मैं रिलेट कर पाई हूँ। और ऑफकोर्स बहुत खुश हैं, आई थिंक अंकिता ने रास्ता खोल दिया है, तो अब ऐसा नहीं, ऐसा लगता है ये भी तो वही खाती है, वैसी ही दिखती है, ऐसा नहीं है कुछ अलग, किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आई, तो आई एम श्योर आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनेगी। आप क्या कर रहे हैं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ही काम करती हूँ, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है जी। मैं अर्बन प्लानिंग। इन्होंने रास्ता खोल दिया, आप यूपीएससी की तैयारी करोगे? नहीं, मैं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, बट ये है कि अभी क्या है ना, हम जाते हैं, हमारा ऑफिसर और बेसिकली रिलेशन होता है कि हम ऑफिसर से मिलने जाते हैं। अभी कल को ऐसा है कि अपनी खुद की बहन के ऑफिस में जाने में वील फील वेरी प्राउड, ऐसा नहीं है कि हम किसी अनजान ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, सो उस बात की बहुत खुशी हो गई। और आप जैसे अभी जब से घर में आए हैं तो किस तरह का आपको कैसा लगा कि जैसे आपने बताया कि ये पढ़ने में मेरी तरह थी, तो इसकी अच्छी आदतें बताओ क्या क्या, क्योंकि दर्शक अच्छी आदतें सुनना चाहेंगे। जो सबसे यूनिक जो मैंने नोटिस किया, शायद उसने अंकल से बहुत सीखा है, मैं ये बोलूँगी, बहुत जल्दी फ्रेंडली होना, मतलब ऐसा होता है ना कुछ लोग बहुत रिजर्व्ड होते हैं, तो मैंने अंकिता के बारे में जो सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्व किया है, वो सामने से आके शी कम्स एंड आपसे बात करती है, तो इस चीज़ आई थिंक एज एन ऑफिसर ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और उसको वो बहुत हेल्प करेगी इस चीज़ के अंदर, मतलब वो खुद से आके बात करती है, ये चीज़ मुझे उसकी साथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ को बैलेंस करके चलती है, वो सबके बस की नहीं होता, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ रही है, आई एम होपिंग अच्छी बन रही है। चलो अब कुछ अंकिता से बात करेंगे दोबारा, फिर
पूरा परिवार मतलब इतनी तारीफ कर रहा है, रियली में आप आज शान है परिवार की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विल से कि आई एम बिकॉज ऑफ माय फैमिली ओनली, तो यस इट्स सबका सपोर्ट है एंड सबका कंट्रीब्यूशन है, सबकी गाइडेंस है, तो यस आई एम बिकॉज ऑफ देम ओनली। कैसे पढ़ लेते थे परिवार वालों में, इतना पढ़ते नहीं, कैसे नहीं पढ़ती थी ऐसे बोल रहे यूपीएससी के लिए डेफिनेटली पढ़ा है, बट स्कूल में इतना नहीं पढ़ती थी। अच्छा, बट टॉप तो हमेशा आते ही रहे आप। दैट इज आई एंड से इननेट एबिलिटीज थी। क्या आपने हैबिट बना रखी थी स्कूल में ही पढ़ लेते थे? हाँ, मेरे साथ यही होता था कि आई हैड कंसंट्रेट स्कूल में ही, तो स्कूल का काम भी मतलब घर का जो भी काम होमवर्क वगैरह होता था स्कूल में ही कर लेती, तो ताकि घर आके आराम से चिल कर सकूं, खेल सकूं वगैरह। ओके ओके, ये रहता था। चलो बहुत बढ़िया और बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जयपाल, जयपाल बेनीवाल हमारा भाई है, मामे का बेटा हमारा, ये बहुत ही दाढ़ला है, ये भी ये अपनी बेटी को सम्मानित कर रहा है। बलजीत सिंह, बलजीत सिंह गांव फैक्ट्री से, ये हमारे रिश्तेदार भी और भाई भी हमारे, उनका हार्दिक स्वागत है यहाँ पहुँचने पर और सहयोग से हम इनका धन्यवाद करते हैं। राम सिंह गाँव अनूपगढ़ से, अंकिता को फूलों की माला देकर स्वागत कर रहे हैं, इनका धन्यवाद। भाई सुल्तान हमारे बड़े भाई हैं, ये अंकिता को देख ली। यस यस यस, अंकिता उनके साथ उनके छोटे भाई। पंचायत समिति कलानौर ट्राई कर रहा है सुनील, उनका धन्यवाद। आज के सम्मान समारोह में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, गांव के मातृशक्ति, सब प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम एंड सारे सारे ही को भी स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की इस सम्मान समारोह में जितना मुझे प्यार मिला है, जितना आशीर्वाद मिला है और जो सम्मान मिला है, इससे मेरा दिल खुशी से भर गया है एंड मतलब मैं सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत ही गौरव का पल है, ना सिर्फ हमारे परिवार के लिए बट पूरे गांव के लिए और देश की सारी बेटियों के लिए। इस बार भी जैसे हमने देखा कि टॉप 4 रैंक तक बेटियों ने ही किया है, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड बनता जा रहा है। प्लस मेरा ये संदेश है कि बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को आगे लेके जाने पे हमें और ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं मत की सफलता का श्रेय अपने पूज्य दादाजी को देना चाहूंगी, उन्होंने हमारे परिवार को किस तरह शिक्षा का जो महत्व बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। साथ ही मेरे माता पिता, चाचा ताऊ ताई जी, मेरे भाई बहन, सबका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, जिसके बिना ये मुकाम पाना नामुमकिन ही था। और जैसे कि सब लोगों ने बोला है कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहेंगे जिंदगी में, तो ये कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सक्सेस मिल गई, सक्सेस इज नॉट फाइनल। बहुत सारे फेलियर्स आते रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हमें उससे निराश हो जाना है, हताश हो जाना है। हमारा प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। मैंने भी चौथे प्रयास में जाके अभी मेरा 28वां रैंक आया है, तो मेरा यही संदेश है सब बच्चों को कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ना सिर्फ पढ़ाई बट खेल कूद या जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें आगे जाइए। सब लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, कहीं पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कहीं खेल कूद में अच्छे होते हैं, किसी का इंक्लिनेशन बिजनेस में है, कोडिंग में है, जो भी आपका इंटरेस्ट है यू शुड परस्यू दैट। इसके साथ साथ मैं बोलूंगी कि अपना हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है परिश्रम का, तो हमेशा परिश्रम करते रहे। साथ ही माता पिता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करना, हमेशा गाइड करते रहना। और जो भी मातृशक्ति है मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपने बच्चों को आगे पढ़ाने का, आगे लेके जाने का। और अंत में मतलब आई डोंट नॉट मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि बहुत देर से ये चल रहा है और सबने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं, तो अंत में मैं यही कहूँगी कि अपने मेरी जो भी हैसियत में रहेगा
जो भी काम मेरे जिम्मे लगाया जाएगा मैं उसको अपनी क्षमता के अनुसार करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा है मुझे इतना जो प्यार मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो सभी जितनी मातृशक्ति जितने मेरे गांव के थे सभी पहुंचे और अपना खाना सब ले। वन फोटो परिवार प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे दो भाई और बहन आईएएस सिलेक्ट में हैं उनको भी हम अपने गांव की तरफ से कुछ पैसा दें। इस कटेक्ट ने आयोजन किया ग्रामवासियों का।